हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे एमटीज, जिसमें मेकअप भी है, स्किन केयर भी है और हेयर केयर भी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से हैं ये प्रोडक्ट या फिर किस ब्रांड से हैं ये प्रोडक्ट, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम्स मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूँगी या मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी। बहुत बार आप लोग पूछते हो कि आपने ये प्रोडक्ट फिनिश किया, कितने दिनों में फिनिश किया या आपको कितना टाइम लगा। सच कहूँ तो अगर प्रोडक्ट वन टाइम यूज़ नहीं है तो किसी भी प्रोडक्ट को फिनिश करने में मिनिमम वन मंथ या मिनिमम एक महीने तो लगते ही हैं, बट कभी कभी उससे ज़्यादा भी लग जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट भी मैंने बहुत टाइम में फिनिश किया है। कोई कोई प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जिन्हें मैंने लास्ट एक साल से यूज़ किए हैं और अब जाके वो फिनिश हुए। और दूसरा क्वेश्चन जो आप लोग पूछते हैं कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जिसे आप रीपर्चेज करोगी, तो वो भी मैं आगे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को और एक एक करके मैं सारे प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहला प्रोडक्ट है द डर्माकोसे और ये है इनका 10% नाइसिनामाइड सीरम, जो कि है ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल। एक्चुअली ये मेरी तीसरी या चौथी बॉटल होगी। मुझे ये सीरम बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि अगर आपके फेस पे एक्ने या एक्ने के मार्क्स हैं तो आपको ये सीरम ट्राई आउट जरूर करना चाहिए, आपको ये सीरम बहुत पसंद आएगा। जहां तक रही बात रीपर्चेज करने की, फिलहाल अभी मैं रीपर्चेज नहीं करूंगी। रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि अभी मेरे पास ऑलरेडी सीरम हैं, तो जब तक मैं उन्हें फिनिश नहीं कर लेती हूं मैं रीपर्चेज के बारे में नहीं सोचूंगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है बायोटिक से और ये है इनका बायो पपाया रिवाइटलाइजिंग टैन रिमूवल स्क्रब। ये स्क्रब ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा डेड स्किन सेल्स होती हैं या ब्लैक हेड वाइट हेड होते हैं, तो आपको ये स्क्रब ट्राई आउट ज़रूर करना चाहिए। ये सच में आपकी स्किन से टैन रिमूव करता है एंड ब्लैक हेड वाइट हेड को भी रिमूव करता है। जहाँ तक रही बात रीपर्चेज की, नहीं अभी मैं इसे रीपर्चेज नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्क्रब है, तो जब तक वो फिनिश नहीं होता है मैं रीपर्चेज नहीं करूँगी। बट डेफिनेटली रीपर्चेज तो जरूर करूँगी, अभी नहीं कभी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है सिंपल से और ये है इनका सिंपल माइसलिंग क्लिंजिंग वाटर। एक्चुअली मुझे ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, बट क्योंकि मैंने इस प्रोडक्ट को बाय किया था तो मैंने इसे पूरा यूज़ किया है। ये एक्चुअली कोकोनट ऑयल और पानी मिक्स करके मैंने इसमें थोड़ा सा डाला हुआ है। तो जहाँ तक रही बात इस प्रोडक्ट की, हाँ फेस मेकअप के लिए ठीक है, बट आई मेकअप के लिए और वाटरप्रूफ या लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक के लिए ये मुझे उतना पसंद नहीं है। रीपर्चेज की अगर मैं बात करूँ तो नहीं, अभी मैं इसे रीपर्चेज बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। हाँ मुझे एक मेकअप रिमूवर की ज़रूरत है, बट मैं इसे रीपर्चेज नहीं करूँगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है प्लम से और ये है इनका रोज वाटर टोनर विथ हाइलोरॉनिक एसिड और ये प्रोडक्ट जो है वो ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। अगर आप अपने लिए एक अच्छा रोज वाटर टोनर सर्च कर रही हैं तो आप इसे ट्राई आउट ज़रूर करिएगा, आपको ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आएगा। रीपर्चेज की अगर मैं बात करूँ, नहीं अभी मैं इसे रीपर्चेज नहीं करूँगी, क्योंकि अभी जैसा कि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि मेरे पास प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो पहले वो ट्राई आउट हो जाएँ उसके बाद मैं इसे रीपर्चेज करूंगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वायम आयुर्वेदा से और ये है इनका लिकोराइज डार्क स्पॉट रिडक्शन पैक। ये प्रोडक्ट भी ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डिसेंट वर्क करता है आपकी स्किन के लिए, बट रीपर्चेज मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास इसका बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, तो रीपर्चेज करने का कोई मतलब बनता नहीं है, इसलिए मैं इसे रीपर्चेज बिल्कुल भी नहीं करूंगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है क्लीन एंड क्लियर का फोमिंग फेस वॉश और ये है ऑयल फ्री फेस वॉश, ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। फेस वॉश की मैं अगर बात करूँ, बहुत अच्छा फेस वॉश है, काफ़ी जेंटल है, काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन को क्लीन करता है बिना उसे ड्राई आउट करे, बट मैं रीपर्चेज नहीं करूँगी
क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो पहले उन्हें फिनिश करूँगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है न्यूड का ये फेशियल पैक जो कि DIY फेशियल किट आता है। फेशियल किट की अगर मैं बात करूँ बहुत अच्छा है। वैसे तो ये क्लेम करता है ये वन टाइम यूज़ है, बट इस पर आप दो से तीन बार डिपेंड करता है कि आप क्वांटिटी कैसे यूज़ करती हैं, ईजिली आप इस फेशियल किट को यूज़ कर सकती हैं। बहुत ही अच्छा फेशियल किट है, काफ़ी नेचुरल है, कोई भी ऐसा केमिकल वाली फीलिंग नहीं आती है। तो अगर आप ट्राई आउट करना चाहती हैं तो ट्राई आउट कर सकती हैं, ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है सोल फ्लावर से, और ये इनका कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल फॉर ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल। और प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ फेस के लिए और बॉडी के लिए, हेयर के लिए, तीनों के लिए बहुत अच्छा है। फिलहाल रीपर्चेज नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक कोकोनट ऑयल बाई कर लिया है, तो जब तक वो फिनिश नहीं होता है तो मैं रीपर्चेज के बारे में नहीं सोच सकती हूँ इस प्रोडक्ट को। लेकिन अगर आप ट्राई आउट करना चाहें, मतलब अगर आपको कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल पसंद है, तो आप इसे ट्राई आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ममा अर्थ का सिल्की स्मूद सॉफ्ट फेस क्रीम फॉर बेबीज। एक्चुअली मैंने इसे अपने बेबी के लिए ही बाय किया था, बट उसकी स्किन पे ये सूटेबल नहीं हुआ, मतलब वो थोड़ी सी एलर्जिक है, तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा अलग प्रोडक्ट बाई करने पड़ते हैं। तो फिलहाल मैंने इसे अपने लिए यूज़ किया है और मुझे ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया है। माना कि ठीक है वो बेबी के लिए है, बट अगर आपकी स्किन के लिए सूटेबल है, अच्छा वर्क कर रहा है, तो क्यों नहीं। फिलहाल मैंने इसे रीपर्चेस ऑलरेडी कर लिया है। नेक्स्ट प्रोडक्ट हैं न्यूड ब्रांड के ये परफ्यूम्स जो कि 8 में ही आते हैं, अलग डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट में आते हैं। ये सारे ही मैंने फिनिश कर लिए हैं। आप इनका साइज जो है वो बाई कर सकते हैं। ये परफ्यूम जो है वो यूनिसेक्स है, मतलब मेन एंड वुमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। इनमें से 4 ऐसे परफ्यूम हैं जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और ये मैंने एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था। और ट्रैवलिंग के लिए परफेक्ट है, ट्रायल के लिए परफेक्ट है, और वैसे बजट के लिए भी बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट है लॉरियल का रिवाइटलिफ्ट, और ये है इनका क्रिस्टल माइक्रोसेंस जो कि काफ़ी टाइम पहले लॉन्च हुआ था, तो मैंने भी इसे रिव्यू पर्पज से बाय किया था। तो मैंने इसे काफ़ी टाइम से अपने स्टॉक में रखा हुआ था, बट क्योंकि ये एक्सपायर होने वाला था तो मैंने इसे बाहर निकाला और पूरा फिनिश कर लिया है। मतलब ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट हो जाए, उसके साथ हमारे पैसे भी वेस्ट हो जाए। रीपर्चेज की बात है तो मैं भाई रीपर्चेज नहीं करने वाली हूँ, पहले ही क्लियर कर दूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट है शुगर कॉस्मेटिक का ये लिप बाम जिसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट अवेलेबल हैं। ये है शेड 02, मेरे पास इसका 01 ऑलरेडी अवेलेबल है। बहुत ही अच्छा लिप बाम है, बहुत अच्छे से कलर देता है, सुपर हाइड्रेटिंग है। अगर आप ट्राई आउट करना चाहती हैं तो ट्राई आउट कर सकती हैं, क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि मेरे पास 01 अवेलेबल है, इसलिए मैं रीपर्चेज नहीं करूँगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हिमालय की ये अंडर आई क्रीम। एक्चुअली ये मैंने फिर से बाय की थी क्योंकि मुझे डार्क सर्कल हो गए थे, बट ये एक्सपायर हो चुकी है, जो पहले वाली थी वो एक्सपायर हो चुकी थी, इसलिए मैंने इसे इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या ये अंडर आई क्रीम सच में वर्क करती है। हाँ, ये अंडर आई क्रीम सच में वर्क करती है, बस आपको इसे रेगुलर यूज़ करना है और सही से यूज़ करना है। नेक्स्ट बारी आती है कुछ लिपस्टिक की, जिन्हें मैंने इन्हें बहुत टाइम में फिनिश किया है। पहली लिपस्टिक है मेबलिन की, जिसमें मेरा शेड है टच ऑफ स्पाइस। दूसरी है वेट एंड वाइल्ड की मोका। तीसरी है लॉरियल पेरिस की आई चूज। और ये है नायका की ब्रेक ए लेग। ये चारों ही लिपस्टिक जो है, इनमें से एक में अभी थोड़ा सा प्रोडक्ट बचा हुआ है, ये देखिए, थोड़ा सा नहीं काफ़ी है, बट क्योंकि ये एक्सपायर हो चुकी है इसलिए मैंने इन्हें यूज़ करना बंद कर दिया है। बाकी ये लिपस्टिक जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, शेड एवरीडे पर्पज से चारों ही शेड जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। आप अगर ट्राई आउट करना चाहें तो ट्राई आउट कर सकती हैं। नेक्स्ट मैंने 2 और परफ्यूम फिनिश किए हैं बहुत टाइम में। पहला है फॉक्स सेंट आई एम क्वीन, और दूसरा है रामसंस का ला ओपेल समथिंग जो भी है।
एक थोड़ा सा प्राइसी है बट एक अफोर्डेबल है। अगर आपको माइल्ड फ्रेग्रेंस चाहिए तो आप फॉग ट्राई कर सकती हैं, अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए तो आप रामसन्स ट्राई कर सकती हैं। वैसे इनके जो परफ्यूम होते हैं वो सुपर अफोर्डेबल होते हैं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस, मतलब क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो दोनों ही परफ्यूम अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं, एक प्राइसी है तो उस हिसाब से, एक थोड़ा सस्ता है तो उस हिसाब से ट्राई आउट करना चाहें तो डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हैं। रीपर्चेज की अगर मैं बात करूँ, फिलहाल अभी मैं इन्हें रीपर्चेज नहीं करने वाली हूँ, रीज़न मेरा सेम है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है जिन से और ये है इनका 100% नेचुरल कोल्ड प्रेस्ड एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, और ये भी मैंने काफ़ी टाइम पहले फिनिश किया था, एक्चुअली आई थिंक 2-3 महीने पहले, लेकिन क्योंकि मैं एम्प्टीज का वीडियो उस टाइम पे नहीं शूट कर रही थी इसलिए ये अभी तक रखा है। रीपर्चेज नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी बाय कर रखा है। लैक्टो कैलामाइन बेस्ट मॉइस्चराइजर है ऑयली स्किन के लिए, स्पेशली इस समर सीजन के लिए, लेकिन रीपर्चेज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक मॉइस्चराइजर है। अभी अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट हैं, मतलब कभी कभी ऐसी स्किन पे प्रॉब्लम होने लगती है जो समझ में नहीं आती है कि स्किन वियर्ड बिहेव कर रही है या किसी चीज़ का रिएक्शन है, उस टाइम पे आप इस मॉइस्चराइजर को ट्राई आउट कर सकती हैं, इस लोशन को ट्राई आउट कर सकती हैं। स्किन सेवियर का काम करता है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है अगर आप ट्राई आउट करना चाहें। तो ये थे वो सारे प्रोडक्ट जिन्हें मैंने लास्ट एक साल में यूज़ करके फिनिश कर दिया है। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जिसे आपने भी ट्राई आउट किया है और क्या रहा आपका एक्सपीरियंस, मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।